सामने आपको पहाड़ दिख रहे होंगे ना, तो बहुत ही जोरदार लग रहे हैं पहाड़ों के भी। भाई गायों से बच के रहना चाहिए, पता नहीं कब रास्ते के बीच में आ जाए और कब दुर्घटना हो जाए। यार जो भी करो पूरी सेफ्टी के साथ करना चाहिए, जो भी करो पूरी सेफ्टी के साथ। भाई को आज ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्वेंट है, ज़्यादा मतलब जाने की जल्दी है क्योंकि भाई के कुछ काम है पर्सनल, तो भाई को पर्सनल काम से ही मिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल साफ एरिया है अराउंड से, कोई टेंशन नहीं, राइडिंग करने का मज़ा ही ऐसे रास्तों में आता है।
इरीगेशन है। हाँ तो ये चढ़ाई तो यही है ना। उसने बोला था कि गेट आएगा, अरे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो इंसान रस्ते है यार, क्या हो गया ये ऐसे क्यों देख रहा है भाई हमको। ना कुछ गाल में खाना नहीं लगता तेन, लगना है ना तो गड्डी में अगर ऐसा हो जाए ना तो नहीं, मेरी बात सुनो, अगर ऐसा लगता है ना आपको तो गाड़ी रोकनी नहीं है आपको वहाँ पे, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये एरिया हमारा नहीं है तो हमें यहाँ की सिचुएशन क्या है हमें पता नहीं, क्या पता पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं लोग वहाँ है कि नहीं। ये गेट ही रहा, हाँ तो एक मिनट, वही है या कोई और है, तो तेरी बहन का कुत्ता का पीस क्या पता नहीं कौन है, इधर ले ले। ये तो लव स्टोर, ये तो मतलब जैसा आपने लव गार्डन है वैसा लग रहा है मुझे यहाँ पे, और तेरी बहन का कुत्ता का पीस, यहाँ तो बहुत जोरदार लोकेशन है। भाई साहब राजसमंद की झील बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, अभी दिन है तो कुछ खास नहीं होगा नज़ारा के, पर जैसा भी बहुत खूबसूरत जगह है। ना 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 उस वाले रास्ते में चले, अच्छा उस पर चलना है क्या, चल यह है राजसमंद की झील, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये, और यह है रही हमारी NS 160, और इसके साथ ही हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। ये रहे हमारे भाई साहब ओम प्रकाश जी जो फोटोग्राफर हैं हमारे,